हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस डीआईवाई में मैंने किड्स के रूम के लिए बहुत ही क्यूट वॉल डेकोर आइटम्स बनाए हैं। ये वॉल डेकोर आइटम्स में मैंने अपने वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ किया है और ये वॉल डेकोर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन डीआईवाईस को बनाना। किड्स रूम डेकोरेशन के इस डीआईवाई में सबसे पहले मैं बना रही हूँ लेटर ब्लॉक को। यहाँ पर मैं ए लेटर का ब्लॉक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड पर ए शेप के दो कटआउट्स निकाल लिए हैं और इसकी बाउंड्रीज पर मैं कुछ इस तरह के स्ट्रिप्स को कट करके स्टिक कर दूंगी। आप यहाँ पर जिस भी लेटर का ब्लॉक बनाना चाहती हैं उसे कार्डबोर्ड पर ड्रॉ करके उसके दो कटआउट्स निकाल लीजिए और उसी की बाउंड्री के अकॉर्डिंग आप इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लीजिए और पूरी तरीके से बाउंड्रीज पर, और अगर बीच में भी इस तरीके से आपका लेटर में कोई स्पेस है तो वहां पर भी आप इस तरीके की स्ट्रिप्स को स्टिक कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ए कट किया है जिसके बीच में इस तरीके का ट्रायंगल बनता है, इसलिए मैं इसके बीच में भी इस तरीके की स्ट्रिप्स को स्टिक कर रही हूँ। बीच में ये स्टिक करने के बाद इसकी चारों साइड बाउंड्रीज पर भी मैं इन कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स को स्टिक कर दूंगी। यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच चौड़ी ये स्ट्रिप्स कट कर ली है। अगर आप चाहें तो इन कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स को और भी ज़्यादा चौड़ा रख सकती हैं जिससे कि ये ब्लॉक और भी ज़्यादा थिक बनेगा, इसकी मोटाई और भी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से मैंने इसकी बाउंड्रीज पर इन कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स को स्टिक कर दिया है। इस तरह के लेटर ब्लॉक को आप अपने बच्चों के शेल्फ में रख सकती हैं या फिर वॉल पे हैंग भी कर सकती हैं या फिर डबल साइडेड टेप से इन्हें वॉल पर स्टिक भी कर सकती हैं। ये कार्डबोर्ड का बना हुआ है तो इसमें वेट बिल्कुल ही नहीं होता है और आप इसे इजीली हैंग कर सकती हैं या फिर वॉल पे स्टिक भी कर सकती हैं। नीचे वाले कटआउट्स की बाउंड्रीज पर इन स्ट्रिप्स को स्टिक करने के बाद अब हम इन बाउंड्रीज के ऊपर हमारा दूसरा वाला कटआउट स्टिक कर देंगे। इन कटआउट्स को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप रेगुलर फेविकोल का यूज करके इन्हें स्टिक कर सकती हैं। हमारा लेटर ब्लॉक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ। मेरे पास कुछ पार्टी डेकोरेशन की ये स्ट्रीमर्स रखी हुई हैं गोल्डन कलर की, जिससे मैं इसे कवर कर लूंगी। अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके से कलरफुल पेपर्स, गिफ्ट रैपर्स या फिर पार्टी डेकोरेशंस की स्ट्रीमर्स रखी हुई हैं तो आप इनका यहाँ पर यूज कर सकती हैं और इस लेटर को बहुत ही कलरफुल बना सकती हैं, या फिर आप अपने बच्चों के रूम के थीम के अकॉर्डिंग भी इसके कलर कॉम्बिनेशन को चूज कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर ये स्ट्रीमर्स ली हैं और मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर इसे कवर कर लूंगी और ये लेटर ब्लॉक बहुत ही सुंदर लग रहा है इस तरीके की गोल्डन स्ट्रीमर्स के साथ। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेरिना डांसिंग डॉल्स वॉल डेकोरेशन। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेरे शूज के बॉक्स का ढक्कन निकाल लिया है और इसकी बाउंड्रीज पर गिफ्ट रैप लगा दिया है। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये ग्लिटर शीट। इस तरह की ग्लिटर शीट मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसके ऊपर मैंने ये ब्लैक पेपर से बैलेरिना डॉल्स कट कर ली है और उन्हें मैं यहाँ पर स्टिक कर दूंगी। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इस तरह की बैलेरिना डॉल्स के प्रिंट आउट निकाल कर उन्हें कट करके भी स्टिक कर सकती हैं। अब हम इन बैलेरिना डॉल्स की स्कर्ट बना लेंगे। यहाँ पर स्कर्ट बनाने के लिए मैंने ये नेट फैब्रिक की 3 से 4 लेयर ली है। यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है 4 इंच चौड़ा और लगभग 10 इंच लंबा। मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स ले ली हैं और सुई धागे की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से इन पर स्टिचेस लगा लूंगी और बाद में हम इस थ्रेड को खींचकर नॉट लगा लेंगे और कुछ इसी तरीके से मैंने दोनों डॉल्स की स्कर्ट को बना लिया है। इस तरीके का वॉल डेकोरेशन बच्चों के रूम में बहुत ही क्यूट और प्रिटी लगता है और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आई होप कि आपको ये डेकोरेशन पसंद आएगा। यहाँ पर मैं स्कर्ट की सीम्स को थोड़ा कट कर रही हूँ जिससे कि एक नेचुरल स्कर्ट का लुक आएगा और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। दोनों स्कर्ट्स को मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है और अब हम इन बैलेरिना डॉल्स के ऊपर इन स्कर्ट को स्टिक कर देंगे।
लग रही है ना ये डॉल्स प्रीटी और क्यूट। अब इस डेकोरेशन को थोड़ा और कलरफुल बनाने के लिए मेरे पास ये बटरफ्लाई के स्टिकर्स रखे हुए थे जिन्हें मैं यहाँ पर स्टिक कर लूंगी ताकि इस वॉल डेकोरेशन में थोड़े और कलर शेड होंगे और बच्चों के रूम में वाइब्रेंट और कलरफुल डेकोरेशंस काफी ज्यादा अच्छे भी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन बटरफ्लाई स्टिकर्स का यूज किया है। बैलेरिना डांसिंग डॉल्स के इस वॉल डेकोरेशन को हमने बनाया है हमारे शूज बॉक्स के ढक्कन के साथ। इसमें वेट तो बिल्कुल भी नहीं है और आप इस वॉल डेकोरेशन को डबल साइडेड टेप लगाकर भी स्टिक कर सकती हैं या फिर सेल्फ एडहेसिव हुक के साथ भी इसे लगा सकती हैं। ये वॉल डेकोरेशन बहुत ही ग्लिटरी और क्यूट लग रहा है। आई होप कि ये डेकोरेशन आपको पसंद आएगा। हमारे नेक्स्ट DIY में इन पॉप्सिकल स्टिक्स का यूज करते हुए हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेल्फ बनाएंगे। इस तरह की स्टिक्स के साथ बनाए हुए शेल्फ अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में भी हैं और ये स्टिक्स मार्केट में बहुत ही चीप प्राइजेस में अवेलेबल भी हैं। सबसे पहले मेन स्टिक्स का हेक्सागन पैटर्न का एक नीचे बेस बना लूंगी। आपको यहाँ पर जिस भी शेप का ये शेल्फ बनाना है सबसे पहले उसे नीचे इसका एक बेस बना लें और इसके ऊपर इन स्टिक्स को लगाते जाएं। यहाँ पर मैंने लगभग 10 से 12 लेयरिंग की है इन स्टिक्स की और इस शेल्फ को बना लिया है। आप यहाँ पर लेयरिंग कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। मैंने इस शेल्फ के कलर को एज इट इज ही रखा है। आप चाहें तो किसी भी कलर का यूज करते हुए इन शेल्फ को कलरफुल भी बना सकती हैं और इस तरीके के कलरफुल शेल्फ बच्चों के रूम में बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगते हैं। ये शेल्फ वेट में बहुत ही ज्यादा लाइट रहते हैं तो आप इन्हें बच्चों के वॉल पर स्टिक भी कर सकती हैं या फिर सेल्फ एडहेसिव हुक्स पे हैंग भी कर सकती हैं। और इस तरीके की शेल्फ में आप छोटे छोटे कोई भी प्लांट्स रख सकती हैं, आर्टिफिशियल या फिर रियल सेक्युलेंट प्लांट भी रख सकती हैं या फिर अपने बच्चों के फोटोज को भी हैंग कर सकती हैं। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्रीटी लगता है। इस तरह से मैंने इसे सेल्फ एडहेसिव हुक्स में लगाकर इसके ऊपर ये छोटा सा प्लांट रख दिया है। आई होप कि आइडिया आपको पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट DIY बहुत ही ग्लिटरी और शाइनी होने वाला है। इसे बनाने के लिए मैंने एक ग्लिटर शीट से मून और कुछ स्टार्स कट कर लिए हैं और इन सबको हम अरेंज करेंगे इस वुडन स्टिक के ऊपर। मैंने यहाँ पर 10 से 12 इंच की ये चार जूट थ्रेड कट कर ली है और इन्हें इस स्टिक के ऊपर बांध लिया है। अब हम इन जूट थ्रेड के ऊपर इस मून और स्टार्स को रेंडमली स्टिक कर देंगे। इन्हें स्टिक करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप सिंपल वाली सेलो टेप से भी इन्हें स्टिक कर सकती हैं। ये इजीली स्टिक हो जाएंगे क्योंकि ये वेट में बहुत ही ज्यादा लाइट रहते हैं। इस तरह का ग्लिटरी और शाइनी वॉल डेकोर बच्चों के रूम में बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगता है और इसकी शाइन रात में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। अब हमारा ये ग्लिटरी और शाइनी वॉल डेकोर बनकर बिल्कुल रेडी है और हमारे ये चारों DIYs वेट में बहुत ही ज्यादा लाइट हैं। आप इनको बच्चों के रूम में कहीं पे भी स्टिक कर सकती हैं या फिर सेल्फ एडहेसिव हुक्स में हैंग भी कर सकती हैं। आई होप कि आपको ये चारों DIYs अपने बच्चों के रूम्स के डेकोरेशन के लिए यूजफुल रहेंगे। आपको इन चारों DIYs में से कौन सा DIY सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने किड्स रूम के वॉल डेकोर के लिए ये आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरे हर नए अमेजिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।